हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप अगर एसएससी या फिर किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी वोकैब सीखने में इंटरेस्टेड है तब भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है क्लॉग। कभी भी क्लॉग आए इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना या किसी भी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्लॉक खिला रहा है। ठीक है, तो क्लॉक कभी भी आए इसका मतलब है किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट करना, या तो आप कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्ट करना, जिसे हम रोकना कहते हैं। इसका अपोजिट आए तो आप अलाउ करना, परमिट करना, यानी किसी भी चीज़ को मंजूरी देना लिख सकते हो। तो क्लॉक का मतलब होता है प्रिवेंट या ऑब्स्ट्रक्ट, जिसको हम रोकना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब होता है जो चीज़ ब्रेक, मतलब अखंड होती है, जैसे होती है ना जो चीज़ टूटे ना, बिखरे ना, इंटीग्रल जिसको बोल सकते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, होल या इंटीग्रल या टोटल आप कह सकते हो, ऐसी चीज़ें जो कभी अखंडनीय हो या जो चीज़ें टूटे ना, अलग ना हो, वो इंटैक्ट कहलाती है। तो आप इंटीग्रल कह सकते हो या तो आप होल कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं अखंड। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली। एंड सब्सिक्वेंटली मतलब लेटर या आफ्टर, जिसको बोलते हैं ना बाद में, जैसे बोलते हैं ना सब्सिक्वेंटली वर्ड हम यूज़ करते हैं बाद में, जैसे बोलेंगे लेटर, लेटर मतलब बाद में, जिस तरह हम आफ्टर यूज़ करते हैं उसी तरह सब्सिक्वेंटली भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बाद में। जैसे आप लिख सकते हो इसको लेटर या तो आफ्टर, जिसको हम कहते हैं बाद में। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट्स जिसको हम बाधाएं बोलती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई हर्डल्स होता है, या कोई भी ऐसा आप बोल सकते हो, इनक्यूमरेंस वर्ड यूज़ कर सकते हो, बाधाएं, विघ्न, इम्पेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, रुकावटें इम्पेडिमेंट्स कहलाती है। तो आप हर्डल्स कह सकते हो, या तो आप इम्पेडिमेंट कह सकते हो, या तो आप क्यूम्बरसम कह सकते हो, या तो इनक्यूमरेंस भी कह सकते हो। जिसको हम बाधाएं कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। अब आपने जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ना कि फी एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब फ्री फ्रॉम या सिक्योर्ड या प्रोटेक्टेड, या आप एक्सेप्ट वर्ड लिख सकते हो जिसका मतलब है मुक्त, या फिर जैसे होते हैं ना छूट, जैसे आपने पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, जैसे कई कई गवर्नमेंट जैसे एसएससी का ही फॉर्म भरा है तो जो गर्ल्स हैं या फिर फीमेल्स की फी एग्जेम्प्टेड होती है, यानी उनको कोई पैसा देना नहीं होता। तो छूट वर्ड एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री फ्रॉम, या तो एक्सेप्ट, या तो प्रोटेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं मुक्त, या तो छूट बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हर्डल। एंड हर्डल एंड हर्डल दो डिफरेंट वर्ड है। हर्डल मतलब होती है मुश्किल, बाधाएं, और हर्डल वर्ड का मतलब क्राउड या गैदरिंग या पाइल जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकट्ठा होना या ढेर लगना या भीड़ भाड़, हर्डल कहलाता है। ठीक है, तो हर्डल कभी भी आए जिसको हम क्राउड कहते हैं, या तो आप पाइल कह सकते हैं, या हीप कह सकते हैं, जिसको हम ढेर कहते हैं, या तो भीड़ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे होमोनिम्स वर्ड हुए हर्डल या हर्डल, तो होमोनिम्स हैं जो मतलब सेम साउंड कर रहे हैं बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग है, तो उसी तरीके से आप हर्डल और हर्डल वर्ड को ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो आपका कंटेंटियस है। कंटेंटियस मतलब वो मैटर या वो लोग जो कंट्रोवर्सियल हो, या तो डिस्प्यूटेड हो, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी चीज़ें आर्गुमेंटेटिव हो, जो विवादास्पद हो या जो झगड़ालू हो, वो कंटेंटियस कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसको आप बोल सकते हो, डिस्प्यूटेड भी बोल सकते हो, कंट्रोवर्सियल भी कह सकते हो, या तो अग्रेसिव भी बोल सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं झगड़ालू बोलते हैं, या तो जो विवादास्पद हो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज यर्निंग। एंड यर्निंग मतलब डिज़ायर, जिसको हम बोलते हैं विश, जिसको जैसे बोलते हैं कि हर किसी कोई डिज़ायर होती है, कोई विश होती है, कोई इच्छा होती है, या फिर चाह होती है, तो वो यर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो यर्न वर्ड विश या डिज़ायर के लिए यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं चाह या तो इच्छा। नेक्स्ट है सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी वर्ड। अब जैसे कि आपने, जैसे कि दिल्ली में एक बिल आता है उसके अंदर सिनर्जी वर्ड लिखा आता है, तो सिनर्जी मतलब क्या होता है? सिनर्जी वर्ड का मतलब होता है पार्टनरशिप कहते हैं, कॉपरेशन कहते हैं, जिसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यूनियन होता है ना, दो लोग या दो कंपनीज का एक जॉइंट कोई वेंचर, तो सिनर्जी वर्ड उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको आप आम भाषा में पार्टनरशिप कह सकते हैं, या तो कॉपरेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संयुक्त
क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डॉटी, एंड डॉटी वर्ड बोल्ड या ब्रेव के लिए उसको यूज़ करते हैं, जो बलवान हो, जो मतलब वीर हो, तो डॉटी वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रेव या तो बोल्ड, जिसे हम हिम्मती कहते हैं, साहसी कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टिंट। स्टिंट मतलब टर्म या टेन्यूर जिसको बोलते हैं, जिसको हम कार्यकाल कहते हैं। जैसे होता है ना कि हर कोई भी पोस्ट है उसका एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, एक टेन्यूर होता है उसके काम करने का, ठीक है। तो टेन्यूर या जिसको हम बोलते हैं टर्म, जिसको हम कार्यकाल कहते हैं, वो स्टिंट कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी है इसको हम कह सकते हैं टर्म, या आप ड्यूरेशन कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं कार्यकाल। नेक्स्ट है टॉप नॉच। टॉप नॉच मतलब जो चीज़ें बिल्कुल ही टॉप पर हो, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष पर होना या बहुत ज़्यादा ऊपर होना, तो जिसको हाईएस्ट बोल सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हो, एपिक्स बोल सकते हो, टॉप नॉच कहलाता है। तो आप इसको एपिक्स भी बोल सकते हो, हाईएस्ट पोजीशन भी बोल सकते हो, जिसको हम कहते हैं शीर्ष पर। नेक्स्ट है प्रिसाइजली। प्रिसाइज वर्ड या प्रिसाइजली एब्सोल्युटली एग्जैक्टली के लिए हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें निश्चित रूप से हो, ठीक है। प्रिसाइजली वर्ड या सिर्फ प्रिसाइज है तो आप इसको बोल सकते हो, जो चीज़ें श्योर हो, एग्जैक्ट हो, एब्सोल्यूट हो, उसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली या तो एब्सोल्युटली, जिसको हम बोलते हैं निश्चित। नेक्स्ट है क्लिंचिंग। अब क्लिंच वर्ड का मतलब पकड़ना या जकड़ना भी होता है, और क्लिंचिंग या फिर क्लिंच को हम डिटरमाइन या जिसको दृढ़ या पक्का या तय कर लेना भी कहते हैं, डिटरमाइन होना, रेजोल्यूट होना भी कहते हैं। तो क्लिंच मतलब आप होल्ड भी कह सकते हो, या तो डिटरमाइंड भी कह सकते हो, या तो आप बोल सकते हो रेजोल्यूट होना भी, किसी भी चीज़ को जकड़ना, या तो आप दृढ़ होना, या किसी भी चीज़ को तय करना, क्लिंचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इज्ड। जैसे आपने देखा होगा इंग्रेविंग करते हैं या फिर कार्विंग करते हैं, कोई भी ऐसी नक्काशी करना, जैसे पत्थरों पर होता है ना कि कोई भी नक्काशी गढ़ देना, तो इज्ड कहलाता है। तो जिसको हम काव आउट कहते हैं, या तो इंग्रेव करना कहते हैं, जैसे पत्थरों पर खुदाई करके कोई भी नक्काशी या आकृति बना देना, ठीक है, इज्ड कहलाता है। तो जिसको हम कहते हैं आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका सीजर। सीज करना या सिर्फ सीजर है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को आप कैप्चर करते हैं, या तो किसी भी चीज़ को आप पकड़ लेते हैं, या फिर जब्त करना जिसको हम बोलते हैं, वो सीज करना कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को टेक ओवर कर लेना सीजर कहलाता है। तो कैप्चर या किसी भी चीज़ को टेक ओवर करना, जिसको हम जब्त करना कहते हैं। नेक्स्ट है कॉट। कॉट वर्ड किसी भी चीज़ को पकड़ना, कैच करना, ग्रैब करना, अरेस्ट करना, कॉट कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी ये वर्ड है जिसको हम कहते हैं अरेस्ट करना, या तो आप कह सकते हो ग्रैब करना, पकड़ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनटेनेबल। अनटेनेबल वर्ड जो चीज़ें चेंजेबल हो, या तो अनस्टडी हो यानी अस्थिर हो, वो क्या कहलाती है, अनटेनेबल कहलाती है। अनस्टडी होना, स्टडी मतलब जो चीज़ें स्थिर है, अनस्टडी मतलब जो चीज़ें परिवर्तनशील है या अस्थिर है, जिसको आप चेंजेबल भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अस्थिर। नेक्स्ट है फ्रिंज। एंड फ्रिंज इज एज या बॉर्डर या ब्रिंक जिसको बोलते हैं, जिसको हम किनारा बोलते हैं। किसी भी चीज़ के ऐसे होते हैं ना कि कपड़ों के किनारों पे गोटे लगे होते हैं, तो आप उसको फ्रिंज बोल सकते हो, एज या बॉर्डर भी बोल सकते हो। तो फ्रिंज कभी भी आए जिसको हम बोलते हैं एज, या तो बॉर्डर जिसको हम किनारा बोलते हैं। नेक्स्ट है हर्ल। हर्ल मतलब उछालना, जिसको हम बोलते हैं ना कि टॉस कर, जैसे आप टॉस करती हैं, उछलती है, या फिर किसी भी चीज़ को फेंकना, उछालना, हर्ल करना कहलाता है। तो हर्ल कभी भी आए टॉस करना, या आप उसको बोल सकते हो थ्रो करना, फ्लिप करना, जिसको हम बोलते हैं उछालना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।